जयपुर के प्राचीनतम गणगणेश मंदिर की कहानी किसी से भी अछूती नहीं है, लेकिन आज फिर ईटीवी भारत आपको ये कहानी सुनाने जा रहा है। आप हमारे साथ चलिए इस सफर पर। तो लगभग यहाँ पर हम आधी ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं गणेश जी महाराज का मंदिर हमसे कुछ ही दूर पर है, और यहाँ से आप जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर प्राचीन नहर की गणेश जी मंदिर, और उसके साथ यहाँ पर पुराना शहर का पूरा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी रास्ता थोड़ा सा दूर है। पहुंचते हैं गणेश जी महाराज के दर पे। तो काफ़ी पसीना बहाने के बाद और मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गणगणेश महाराज के दर पर। अब यहां से भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जहां पे आधे से ज़्यादा जयपुर नज़र आ रहा है। खासियत ये है कि जयपुर के जो प्रमुख स्थल हैं वो लगभग एक ही सीध में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो गणगणेश से शुरुआत की जाए तो ताल कटोरा, उसके बाद गोविंद देव जी मंदिर, फिर सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल और जेएलएन रोड, ये पूरा एक ही सीध में नज़र आता है। तो वाकई में काफ़ी पुरातत्व ज्ञान के साथ और वास्तु को देखते हुए गणगणेश मंदिर को जयपुर में चोटी पर स्थापित किया गया है। आइए आगे जानते हैं इसी से जुड़ी इसकी पौराणिक मान्यताएं और इतिहास क्या कहता है। चलिए अब जानते हैं वाकई में क्या गणेश जी महाराज की मान्यता है, गणगणेश महाराज का क्या इतिहास रहा है, क्या इसकी पौराणिक महत्ता है। उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर के महंत प्रदीप जी महाराज। महाराज, सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे आपसे, गणेश जी महाराज को किन्होंने स्थापित किया यहाँ पर, ऊंचाई पे रखने की क्या वजह रही इनको इनको प्रतिष्ठान करने की, और ख़ास करके अगर बात की जाए तो इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। मैं महंत प्रदीप अवधीत जी जयपुर गणगणेश मंदिर से बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना के समय अश्वमेध यज्ञ किया आमेर के अंदर। उस यज्ञ में पहले गणपति का पूजन हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर मंदिर बना, गणेश जी की स्थापना हुई, उसके बाद जयपुर की नींव लगी। आज इस मंदिर को बने हुए 450 साल हो गए। ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर बाल स्वरूप गणपति का पूजन किया जाता है। जो पार्वती जी ने महल का निर्माण करके द्वार पर बैठाया था वो स्वरूप यहाँ पर है। यह स्वरूप विश्व में कहीं पर भी नहीं है, और ये जयपुर के आराध्य प्रथम गणपति हैं जिनको पूजन करके बाबा सवाई जय सिंह जी ने जयपुर निर्माण करने की नींव लगाई। और आज भी गोविंद देव जी के सामने जो सिटी पैलेस बना हुआ है उसमें से दूरबीन से दर्शन होते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह अपनी दैनिक प्रक्रिया भगवान गणपति के दर्शन करके उसके बाद प्रारंभ किया करते थे। उसी नियम के आधार पर आज जयपुर की जनता भी
प्रतिदिन जो घर से अपनी दैनिक क्रिया शुरू करती है, घर से बाहर निकल करके गणेश जी को उत्तर की तरफ मुख करके नमस्कार करके अपनी दैनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं और उनके पूरा दिन बड़ा लाभ शुभ से और सुख समृद्धि के साथ गुजरता है। इस मंदिर के अंदर गणपति विराजमान पूरे परिवार के साथ है, रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ सहित गणपति विराजमान है। उस यज्ञ के अंदर अनेक स्थानों से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, सारे ब्राह्मण आए, हमारे भी पूर्व सिद्धपुर गुजरात से आए, मैं मूर्ति के आए, यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ समाप्ति पर श्री गणेश जी की स्थापना हुई और हमको पूजा सेवा दी गई। वो पूजा सेवा हम आज तक 13 पीढ़ी वंश परंपरा से करते आ रहे हैं। आज इस मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए 365 सीढ़ियां बनी हुई है, वो सीढ़ियां एक वर्ष की है, एक दिन की एक सीढ़ी है, पूरा वर्ष लगता है तब गणपति दर्शन देते हैं। और यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है, गणेश चतुर्थी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ऋषि पंचमी का यहाँ का प्रसिद्ध मेला होता है, दूसरे दिन गोपाल जी की परिक्रमा निकलती है जो इधर ही होके जाती है। इस प्रकार हर वर्ष 3 दिन का मेला लगता है। महाराज एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्षेत्रीय लोग यहाँ पर जब शादी का निमंत्रण देने भी प्रथम पूज्य को यहाँ पर देने पहुँचते हैं, उसको लेके क्या मान्यता है? और जिस तरह की आपने बात बताई कि लोगों की दिन की शुरुआत ही गणेश जी महाराज के दर्शन के साथ होती है, उसकी क्या मान्यता है? क्योंकि जो भी व्यक्ति जो गणपति को मानता है, गणपति निमंत्रण की बात है, उसके आधार पर पहले पूरे जयपुर के लोग इसी मंदिर में गणपति निमंत्रण करने आया करते थे, लेकिन समय के अभाव के खातिर या जो नहीं चढ़ पाते वो लोग अन्य मंदिरों में जाकर के गणपति निमंत्रण कर देते हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शादी में जब गणपति स्थापना करते हैं तो वहाँ भी पेंटर से गणेश जी का चित्र बनाया जाता है, वो भी पुरुष आकार ही बनता है, लेकिन आज की जनता को दिखाने के लिए उनके भी सूंड लगाई जाती है कि जिससे वो ये समझे गणपति का पूजन हो रहा है। अन्यथा कहीं पर भी गणपति का पूजन शादी में नहीं है, विनायक का पूजन है, और विनायक मतलब यानी कि वही स्वरूप होता है जो मतलब बिना सुंडाकार के होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर महाराज ने काफ़ी रोचक जानकारियाँ दी और जो जानकारी शायद ही जयपुर के किसी बाशिंदे को होगी कि आखिर क्यों पहाड़ पर यहाँ पे गणेश जी महाराज को विराजमान कराया गया, किन्होंने विराजमान किया, इसकी जानकारी महंत प्रदीप जी महाराज ने। मैं तो आज पहली बार आई हूँ, सुना है बहुत अच्छा मान्यता है यहाँ की, बहुत अच्छी श्रद्धा है, काफ़ी टाइम से लोग आ रहे हैं तो उनको देख के हमें भी ऐसा लगा कि यहाँ चलना चाहिए। आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है, तो मैं मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आई। यहाँ पर हम कभी कभार चाहते हैं और अच्छा है यहाँ पर आने में, और मान्यता तो है गणेश जी की, बहुत अच्छी मान्यता है गणेश जी की, यहाँ पर लोग बाग आते रहते हैं। मैं आज दूसरी बार आई हूँ और अच्छा लगता है यहाँ आने से, मेरे को बहुत आने में परेशानी तो होती पर सही है, आने के बाद बहुत वो आराम मिलता है। पर मैं 25 साल से आ रहा हूँ, हर बुधवार को आता हूँ, यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है, यहाँ पर जो भी आता है जो मांगता है उसको मिलता है। मैं भी जब पहली बार आया था मैंने कुछ मांगा था, वो मुझे यहाँ से मिला है, उसके बाद मैं रेगुलर आ रहा हूँ, 25 साल से आ रहा हूँ, हर बुधवार आता हूँ। जयपुर के पौराणिक इतिहास में गण गणेश की भी अपनी एक महत्ता है और यही महत्ता आज ईटीवी भारत के जरिए हमने आप तक पहुंचाई। जयपुर से अपने सहयोगी उमेश सैनी के साथ अंकुर जाकर ईटीवी भारत।